जिले का पहला विद्युत शवदाह गृह रामनगर मुक्तिधाम में बनकर तैयार हो चुका है, जिसे शुरू कर दिया गया है। इसके लिए 3 दिनों से टेस्टिंग की प्रक्रिया की जा रही थी। प्रयोग के लिए लकड़ी का उपयोग किया गया। नगर पालिक निगम भिलाई के महापौर नीरज पाल एवं नगर निगम आयुक्त रोहित व्यास ने विद्युत शवदाह गृह को लेकर कुछ महीने पूर्व ही इसका निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए थे, जिसके चलते अब विद्युत शवदाह गृह आरंभ हो चुका है। इसे आरंभ करने के पूर्व शेड सहित कमरा निर्माण, मशीन इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया पूरी की गयी। विद्युत सप्लाई के लिए ट्रांसफार्मर भी लगाए गए हैं। विद्युत शवदाह गृह में 2 घंटे में शवदाह की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी और अस्थि भी इस दौरान प्राप्त की जा सकेगी। विद्युत शवदाह गृह की जानकारी नगर निगम भिलाई के PRO PC सारवा ने दी। देखिए, रामनगर मुक्तिधाम में विद्युत शवदाह गृह का प्रारंभ किया गया है और काफ़ी समय से इसको चालू करने का प्रयास किया जा रहा था। इसकी टेस्टिंग प्रक्रिया के तहत में लकड़ी डाल करके इसकी विगत 3-4 दिनों से टेस्टिंग की जा रही थी और उसके बाद में फाइनली जो है शवदाह के लिए यह जो विद्युत शवदाह गृह है, जो जिले का पहला विद्युत शवदाह गृह होगा, वो तैयार कर लिया गया है और इसकी प्रक्रिया जो चालू कर दी गई है। कल जो है एक बंगाली समाज के माध्यम से जो मृतक थे उनका जो अंतिम संस्कार है विधि विधान के माध्यम से विद्युत शवदाह गृह के माध्यम से किया गया है और आने वाले पलों में जो कोरोना और कोविड को देखते हुए जो स्थिति बनती है इसके तहत में इसकी कॉन्सेप्ट और अवधारणा जो है इसकी शुरुआत की गई थी और निश्चित तौर पे ये है कि इसमें जो 2 घंटे का जो समय लगता है वो ड्यूरेशन बहुत कम ड्यूरेशन है, जिसमें अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। साथ ही जो अस्थियां हैं उसका संग्रहण हम कर पाते हैं और इसके लिए अलग से चैम्बर बनाया गया है। और विद्युत शवदाह गृह से एक फ़ायदा ये होगा कि जो लकड़ी और कंडे होते हैं उनकी बचत भी होगी। बारिश के दिनों में यदि कुछ ऐसा लकड़ी भीग जाने का खतरा होता है, जो कंडे भीग जाने का खतरा होता है, उसको लेकर भी यह जो है विद्युत शवदाह गृह अच्छा काम कर पाएगा। इसको लेकर के जो है माननीय महापौर जी और आयुक्त महोदय ने भी निरीक्षण किया था और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया था, जिसके चलते जो है यह विद्युत शवदाह गृह रामनगर मुक्तिधाम में, जो भिलाई का बड़ा मुक्तिधाम है, वहाँ प्रारंभ हो पाया। गौरतलब है कि पर्यावरण के दृष्टिकोण से विद्युत शवदाह गृह उपयोगी है। लकड़ी और कंडे के अभाव में भी इसकी प्रक्रिया जारी रहेगी। इसके आरंभ होने से लकड़ी और कंडे की बचत भी होगी। साथ ही विद्युत शवदाह गृह में 10 घंटे में 6 शवदाह किए जा सकेंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे।